फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। तंदूरी चिकन रेसिपी आज हम बनाएंगे तो माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन के मैरिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं नींबू लेती हूँ, दो छोटा साइज ऐसे काट ले, काट के नींबू का रस डाल देती हूँ। नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर, छोटी चम्मच से एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर, चिकन तंदूरी मसाला, गरम मसाला एक चम्मच बड़ी चम्मच से, काश्मीरी रेड चिल्ली भी आप पाउडर डाल सकते हैं, ऐसे मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, बस मैंने ऐसे मिर्ची डाला है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, गाढ़ा दही चाहिए दो बड़े चम्मच से। मैंने आधा किलो चिकन लिया है और लेग पीस वगैरह बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं हमने। दो से तीन चम्मच आप दही डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सोया सॉस डाल देते हैं इसमें छोटी चम्मच से एक चम्मच। टमाटर सॉस डाल देते हैं एक चम्मच। ग्रीन चिली सॉस वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा चिकन मसाला ऊपर डाल रहे हैं। सूखी अदरक का पाउडर वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। ये सब सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। मसाला को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है तो हमने कॉर्नफ्लोर डालना है दो चम्मच। तो हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको हमने। अभी इसे में दो घंटा ढाई घंटा इसे हम ढक के रख देते हैं फ्रिज में। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद हमने माइक्रोवेव में भर दिया था आधा घंटा के लिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप बच्चे को किसी भी टाइम आप बना के खिला सकते हैं। ऐसे आप बना लीजिएगा, कितना बढ़िया लग रहा है ये, कितना टेस्टफुल है ये। तो ऐसे आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कैसे बना है ये। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।